फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सुरेंद्र पूनिया भी सीएम नायब सिंह सैनी के साथ फतेहाबाद में हेलीकॉप्टर के में पहुंचे। जिला उपायुक्त राहुल नरवाल, एसपी आस्था मोदी, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोवा, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, विधायक रतिया लक्ष्मण नापा, नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची ने गुलदस्ते देकर उन्हें सम्मानित या उनका स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम ने फतेहाबाद में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिस दौरान विधायक दूराराम भी साथ रहे। फतेहाबाद के लिए सीएम ने कई घोषणाएं की, जिनमें फतेहाबाद विधानसभा के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, बडोपल में वन्य जीव पशु उपचार केंद्र बनेगा, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रास्तों में लगे खंभों व घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को हटाया जाएगा, जहां कम वोल्टेज है वहां बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा, उपयुक्त जगह मिलने पर वार्ड 13 व 14 में बूस्टिंग स्टेशन भी लगवाया जाएगा, फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा, मुन्ना को उपमंडल व भट्टू को तहसील की मांग का नॉर्म पूरे होने पर पूरा किया जाएगा। फतेहाबाद के बाद मुख्यमंत्री 2 बजे हिसार में राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए निकल गए। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सुने उन्होंने क्या कहा। उन बातों को जानती है कि संविधान को खत्म करने का तो काम 1975 में इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था, हमारी सरकार को संविधान की रक्षा करने का काम। इस प्रकार के नारे नारे लेकर के आएंगे, आप लोगों को एक मैं विश्वास दिला करके जाता हूँ, जिस मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, उनका यह संकल्प है कि